तो हेलो भाई, आज अपने हाथ लगी भाई नई वाली इको, जो कि अभी अभी 2022 के लास्ट में ही मतलब अपडेट हुई है। और अभी तो ये 2023 में अपन देख रहे हैं, और 2023 में भी मतलब जो अभी जो ईयर चल रहा है इसमें भी अभी यही चलने वाली काफ़ी। अभी तो इसका कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि इसको चेंज करके कुछ लाने वाले, क्योंकि इसी में गाड़ी में ही इन लोगों ने काफ़ी अपडेट दे दिए। काफ़ी तो नहीं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो डिजिटल कर दिया है, तो जिससे वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मेरे को देख के। जो पुराना वाला था एकदम ही सिंपल स्टिक था। और बाकी भाई एक बार आपको मैं गाड़ी बाहर से दिखा देता हूँ। ये सब तो भाई आपको जो नॉर्मल, ये भी एनालॉग मिलेगा, ये भी नॉर्मल मिल रहा है, और ये इस टाइप का यहाँ पर लॉक मिलेगा, तो ये सब तो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। बाकी आपको एक बार हल्का सा बाहर से वॉक अराउंड आपको मैं दे दूँ, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रही है भाई ये गाड़ी, जो कि पुरानी वाली इको आती है वैसी दिख रही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। और ये 5 सीटर वेरिएंट है। तो ये है भाई इस गाड़ी का टोटल वॉक अराउंड। तो अभी अपन चल के बैठते हैं, क्योंकि भाई अपन बेसिकली गाड़ी की बात नहीं कर रहे, आज इसके ड्राइव रिव्यू की बात कर रहे हैं भाई, कि आपको चलाने में ये गाड़ी कैसे लगेगी। तो पहले तो आप इंजन की थोड़ी सी आवाज़ सुन लो, क्योंकि इसका इंजन स्टार्ट होने पर हल्का सा नॉइस करता है। एक मिनट, ये देखो जो भाई अल्टो 800 का आपको साउंड आता था, कुछ उस टाइप का इसका स्टार्टिंग में साउंड आता है। और गाड़ी तो भाई मैंने इसको पहले चला चुका हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि मैंने पहले भी इसको काफ़ी चलाया है। तो जो पहले वाली इको रही होगी भाई, मैंने रियलिटी बताऊँ तो उसको ड्राइव नहीं किया हूँ, और जब से इसको चला रहा हूँ मैं, और इसके अलावा मैंने अल्टो 800, हालांकि K10 तो अल्टो अभी काफ़ी रिफाइंड होकर अच्छी आ चुकी है, बट भाई ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है यार चलाने में, एकदम फन टू ड्राइव लग रही है। आप इसका एक्सेलरेशन देखो कितना फास्टली हो रहा है। और पिकअप तो भाई इसका मेरे को ऐसा लगता नहीं कि 1000 CC वाला जो इसका इंजन है, 1000 CC वाला पिकअप नहीं लगता इसका, 1200 CC वाला पिकअप मेरे को लगता है। और विंड नॉइस काफ़ी आ रही है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, वो भी भाई एनालॉग ही है, इसलिए थोड़ी यही बस दिक्कत लगती भाई मेरे को इसकी। इसमें कम से कम मिनिमम फ्रंट में तो ऑटोमेटिक वाले मिरर्स, सॉरी विंडो दे देना चाहिए, जिससे कि काफ़ी इजी हो जाएगा। बाकी भाई बॉडी रोल की अगर से बात कर ले, पिकअप तो आपने देख लिया काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे मैंने फुल एक्सेलरेटर प्रेस किया 5th गियर में, तो आप देख लो एक्सेलरेशन एकदम नॉर्मल है, ऐसा कम महसूस नहीं हो रहा आपका, मैं ऐसा आप ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, बट गाड़ी वाइज अगर से आप देखें साइज़ वाइज तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, और भाई एवरेज के हिसाब से भी काफ़ी ठीक लगा मेरे को। बाकी भाई मैं बोल रहा था बॉडी रोल की अगर से अपन बात कर ले, तो भाई बॉडी रोल तो इसमें आपको मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी रोल तो मारुति की आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी में बॉडी रोल होगा, क्योंकि ओमनी आती थी उसमें तो मेरे को पता नहीं, बट अभी आना बंद हो गई है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अभी तक का बॉडी रोल देखने को मिलेगा। गाड़ी झूल जाती है भाई पूरा, और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है इसका, अगर से आप 100 से ऊपर भगाएंगे तो इसका कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है कि मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। ब्रेक्स भी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, ब्रेक्स भी मैंने इनिशियली इसकी ट्राई करके देखी हुई है, तो हाई स्पीड पे या फिर लो स्पीड पे तो ठीक है, बट हाई स्पीड पे थोड़ा सा जर्क टाइप का लगता है, और कॉन्फिडेंस नहीं लगता इसके ब्रेकिंग पे। बाकी गियर शिफ्टिंग की वगैरह बात कर लो तो एकदम स्मूथ है भाई, जैसे कार की होती है आपकी, कोई भी नॉर्मल कार ले लो आप, वैसे इसकी गियर शिफ्टिंग है, कोई लैग नहीं है, कोई जर्क नहीं है, कोई हार्ड आपको गियर लगेंगे नहीं इसके, एकदम गियर इसके स्मूथ है। और बस यही है बात भाई, आपको एक मिनट में खड़े करके बता देता हूँ, बस सबसे ज़्यादा बड़ी कमी जो मेरे को ये गाड़ी में बैठने से तुरंत बाद लगती है वो ये है, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई अगर से आप इसको, ये देखो इसमें पावर स्टेयरिंग नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है अगर से आप इसको आगे पीछे करना है आपको नॉर्मली, आप आगे पीछे करते हो गाड़ी को, तो ये देखो एक हाथ से मैं घुमा तक नहीं पा रहा हूँ, पूरी ताकत लग जा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी बंद है, जैसे गाड़ी बंद में होता है ना, ये देख सकते हैं आप, पूरा मेरे को ताकत लगाना पड़ता है। एक हाथ से जैसे स्विफ्ट हो गई अपनी अर्टिगा जैसी बड़ी गाड़ी का तक, मतलब जो उसमें उसका जो पावर स्टेयरिंग है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, बट इसमें भाई पावर स्टेयरिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और अब देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना हार्ड है, बस मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही लगती है इसकी। बाकी भाई गाड़ी चलाने वाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर स्टेयरिंग वाइज मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, बस भाई यही आपको मेरे को इतना ही बताना था। बाकी फीचर्स वगैरह तो मैं इसका आगे कोई वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, उसमें आपको बता दूंगा। बाकी भाई यही थी वीडियो, अगर से भाई आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई,
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।